हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, यदि आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, यूपीएससी हो, सीटेट हो, या कोई भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम हो, या आप किसी और दूसरे स्कूल लेवल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इंग्लिश सेक्शन आपका अच्छी तरीके से तैयार नहीं हो पा रहा है, तो इस सेशन को ध्यान से सुनिए। मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें आपको बताऊंगा। देखिए, इंग्लिश सेक्शन में स्कोर करने के लिए, चाहे वो बैंकिंग हो या एसएससी एग्ज़ाम हो, उसमें आपकी वोकेबलरी बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए। और वोकेबलरी आपको कौन सी पढ़नी है? वोकेबलरी आपको जो हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स हैं, जो बार बार एग्जाम्स में रिपीट होते हैं, जो एग्जामिनर्स के फेवरेट हैं, या जो इकोनॉमी के वर्ड हैं, या करेंट वोकेबलरी के जो वर्ड्स हैं, उनको आपको पढ़ना है और उनको आपको इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ना है। ये सबसे बड़ा इसमें एक सीक्रेट आप मान सकते हैं। देखिए, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इंग्लिश जो वोकेबलरी है उसको हिंदी में पढ़ते हैं, जो कि गलत है। यदि आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ पर इंग्लिश सेक्शन जो है वो इंग्लिश में ही आएगा। तो यदि आप करेंट वोकेबलरी, जेन्युइन वोकेबलरी जो एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है, वो आप तैयार करना चाहते हैं, तो आप इस वेबसाइट से तैयार कर सकते हैं। ये इंग्लिश एडवांटेज चैनल की ऑफिशियल वेबसाइट है, englishiq.in। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। और यहाँ से इस वोकेबलरी को आपको पढ़ना है। देखिए, यहाँ पर जैसे ये वर्ड दिया है, अपोसल, ग्लट, ये इतने इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में, इंग्लिश सेक्शन में, सभी सभी पार्ट में, चाहे वो क्लोज टेस्ट हो, वोकेबलरी हो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंसन हो, सभी जगह ये पूछा जाता है। देखिए, इम्पास कितना इंपॉर्टेंट वर्ड है, प्लाइट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ओवरहैंग। और इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया है मैंने, ये स्टोरी की तरह दिया है, डिस्क्रिप्टिव वे में इसका एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है, ताकि आपको ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगे। तो इस वेबसाइट को आप मोबाइल पर भी खोल सकते हैं, मोबाइल पर भी देख सकते हैं, और यहाँ पर भी देख सकते हैं, पीसी या लैपटॉप पर। और जब बार बार आप इसको पढ़ेंगे, जब आप बार बार माइंड से आपके ये गुजरेगी ये वोकेबलरी, तो बहुत ही स्ट्रांग ये वोकेबलरी हो जाएगी और इंग्लिश सेक्शन बहुत आसान आपको लगने लगेगा। ये देखिए, इतने इतने इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैंने सारे यहाँ पर दिए हैं, इसकी पूरी सीरीज में इस वेबसाइट पर चला रहा हूँ। तो इसका पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, जैसे ये पार्ट थ्री आप यहाँ पर राइट हैंड साइड में ये देख सकते हैं, पार्ट टू, पार्ट फोर मैं जल्दी ही अपलोड करूँगा यहाँ पर। तो ये सारी वोकेबलरी आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। आपको बाय हार्ट इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल केवल फेरते जाते हैं इनको, यानी रिवाइज करते जाते हैं, और आपके सामने से ये वोकेबलरी जब निकलेगी तो डेफिनेटली सबकॉन्शियस माइंड में ये आपके एकदम से फीड हो जाएगी। ये देखिए, इंसुइंग, रेंडर, टेम्पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वर्ड्स हैं जो कि सभी कम्पिटेटिव एग्जाम का, इंग्लिश सेक्शन का क्रक्स है। फ्रॉट है, बोन होमी है, टेम्पर है, और जो रिलेटेड वर्ड्स हैं, जैसे डीवीएस है और डब्ल्यूएस है, ये मैंने पास पास में दिए हैं यहाँ पर। कोई भी जैसे रिलेटेड वर्ड होगा, उसकी स्पेलिंग सेम होगी, कन्फ्यूजन जो क्रिएट करेगा, उसको मैंने पास पास में दिया है। तो हाईली यूजफुल ये वर्ड्स रहेंगे आपके लिए। और इंग्लिश टू इंग्लिश जब आप पढ़ेंगे तो उसका 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 ज़्यादा इफेक्ट आपको पड़ेगा, उसका ज़्यादा फायदा आपको होगा। ये देखिए, 45, ये बहुत पूछा जाता है, एसएससी में कई बार पूछा गया है, क्लैमर कई बार पूछा गया, अपहोल्ड, ये आरसी में कई बार आता है, विद होल्ड, ये देखिए इसका पास वाला वर्ड, अपहोल्ड, विद होल्ड, क्योंकि इनमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है, इसलिए पास में मैंने ये वर्ड दिए हैं। तो यहाँ से आप सारी वोकेबलरी आप अपनी तैयार कर सकते हैं किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, कोई सा भी कम्पिटेटिव एग्जाम हो। तो इस वेबसाइट पर आप आएँ और इसको सब्सक्राइब आप जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि यहाँ पर कोई भी नई पोस्ट मैं डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डाल दें और यहाँ से आप सब्सक्राइब कर लें इसको, तो यहाँ से इस वोकेबलरी को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको ई बुक्स चाहिए वोकेबलरी की, तो ई बुक्स भी मैंने यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड की हैं, तो इनको भी यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस डाउनलोड सेक्शन में जाके यहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट इन सारी ई बुक्स को आप डाउनलोड करें और इनसे आप फ़ायदा उठाएं। सभी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए हाईली यूजफुल ये ई बुक्स हैं। ई बुक्स के वर्ड अलग हैं और यहाँ पर ये जो सीरीज़ मैं चला रहा हूँ, ये वर्ड अलग है, इनको आपको पढ़ना है। और उन ई बुक्स को आप यहाँ से डाउनलोड सेक्शन में जाके यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत अच्छा कंटेंट यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो ये पूरा आप पढ़ सकते हैं। इसकी अभी ती इसके भी ये जो सीरीज चला रहा हूँ, इसके भी तीन पार्ट मैंने अपलोड कर दिए हैं, चौथा पार्ट मैं तैयार कर रहा हूँ, तो वो जल्दी से अपलोड हो जाएगा। हाईली यूजफुल ये वर्ड्स हैं और बहुत ही यूजफुल ये रहेंगे, ठीक है? तो इसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप इस साइट पर आ जाएंगे। और डेली आप 10 वर्ड भी तैयार करते हैं तो भी बहुत काफ़ी सारे वर्ड्स आपके तैयार हो जाएंगे। तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें और इसको आप बुक मार्क कर लें, इस साइट पर आएँ, आप इसको पढ़ें और डेफिनेटली इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा।
तो इस सेशन में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।